सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ और यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले सभी बहुविकल्पी प्रश्न और प्रश्न संख्या 74 तक पार्ट 3 तीन वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसके अति लघु उत्तरीय की और ये चौथी क्लास है अति लघु उत्तरीय की आपकी बीएससी की। अब यहाँ पे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आगे के प्रश्नों को। इससे पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो मैथ की क्लासेस, राजन सीरीज, पौन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एक ही लिंक से आपके मैथ विषय की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको फिर कहीं से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप 25 में 25 नंबर लेकर के ही आओगे। ठीक है, तो सीरियस वे में, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ही बार में आप ये सारे क्लासेस कर डालो, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी नहीं, ये पिछले 5 बैचों की कहानी है। 2017 बैच से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 2017 बैच के बाद आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल क्या है। ठीक, तो देखिए प्रश्न क्या 75। यदि किसी त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 8 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई त्रिभुज हो, जैसे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो और आपको आधार और ऊंचाई जब दिया गया है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाता है। अब यहाँ पे हमको दिया गया है सारी वैल्यूज तो हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2, आधार की लंबाई दी गई है 8 और ऊंचाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। 2 से 8 को काटिए, 4 बार में कट जाएगा और 4 त्रिक 12, 12 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यदि किसी त्रिभुज का आपको आधार और ऊंचाई दिया गया तो बहुत ही आसानी से इसी फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल आप निकाल लोगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न के 76। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेमी हो। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता है कि सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग होता है। तो एक भुजा अगर ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा, यानी कि 3 गुणे भुजा आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब यही होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के परिमाप का और जो आपको वैल्यू दिया गया है 6, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप की जगह रख देंगे 6 और ये हो जाएगा 3 गुणे भुजा। ठीक, अब भुजा का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगा 3 को उधर भेज दीजिए, इस 3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 6/3 यानी कि 2, 3 से 6 में भाग हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि भुजा का जो मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि 6 जो परिमाप दिया है वह सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे दिया गया है तो आप इसकी भुजा भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 77। 6 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। 6 मीटर लंबी है और 3 मीटर चौड़ी है और आयताकार क्यारी का परिमाप आपको ज्ञात करना है। और इस तरह देखिए
फिगर भी बना सकते हैं, या इस प्रश्न में आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। 6 मीटर ये लंबाई है और 3 मीटर जो है वह चौड़ाई है, ये आयत के रूप में है और इसका परिमाप आपको निकालना है। तो कोई भी आयत हो उसका परिमाप क्या होता है, उसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप यहां से आ जाएगा, देखिए 2, लंबाई कितना है 6 मीटर, लंबाई है 6 और चौड़ाई है 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 धन 3 यानी कि 9, और 2 का गुणा कर लीजिए 9 में, तो ये आ जाएगा 18, और सब कुछ मीटर में दिया गया है तो मीटर में, ठीक है। देखिए लंबाई में एक तरीके से ये एक लेंथ है और इसमें भी लेंथ जुड़ रहा है, लंबाई में लंबाई जुड़ रहा है तो यूनिट वही रहेगी, ठीक है। मीटर में मीटर जुड़ रहा है तो यूनिट मीटर में ही आएगा, जब मीटर में मीटर का गुणा होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है या वर्ग मीटर हो जाता है। तो आपको यूनिट लिखने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और यूनिट हमेशा लिखिए, मतलब ये इकाई किस इकाई में मान आ रहा है वो लिखना आपको जरूरी है, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 78 है, संख्याओं 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। 13, 39 और 273 का मासा आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि हम कैसे, अगर मासा निकालना है इस तरीके से भाग से 13, 39 और 273, ठीक। अब जब हम मासा निकालते हैं तो भाग हम उसी संख्या से देते हैं जिस संख्या से दी गई संख्याएं सभी संख्याएं कट रही हो, ठीक। तो देखिए 2 से अगर भाग करते हैं तो कोई संख्या इसमें से नहीं कटेगी, 3 से भाग करेंगे तो एक संख्या ये कट रही है और ये दोनों संख्याएं कट रही है, लेकिन 13 नहीं कट रहा है। और 13 के बारे में ये जान लीजिए कि 13 जो है वह केवल एक और खुद से कटती है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है, यानी कि अब हमको सीधे सीधे 13 से चेक करना चाहिए और किसी संख्या से ये कटेगा नहीं, और अगर 13 से ये तीनों कटती हैं तो ही हमारा मासा निकल पाएगा, ठीक। अब नहीं तो मासा क्या हो जाता, नहीं तो मासा एक हो जाता, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। अब इसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ पे मासा क्या ये 13 से कट रहा है, तो देखिए 13 से ये कटेगा पहली संख्या, 13 खुद है, और फिर देखिए 39 13 से कटेगा, 13 39, और इसको चेक करेंगे तो 13 2 26 और 1 ये 21 बार में कट जा रहा है, ठीक है। 13 20 में 260 होता है और 13 21 से 273, ठीक है। तो 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और 1 21। अब देखेंगे तो ये 1 हो गया, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्याएं कटें, तो यहां से हमारा मासा जो लिखा जाएगा वह क्या लिखा जाएगा, मासा लिखा जाएगा सीधे सीधे 13, मासा आ जाएगा 13, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा मासा 13। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर यही अतिलघुत्तरी में आया तो ये सॉल्व करके आपको दिखाना है, अगर बहुविकल्पी में यही प्रश्न आता तो किस तरीके से आप सॉल्व करते कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। देखिए मासा में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें से आप सबसे छोटी संख्या को देखिए, सबसे छोटी संख्या को देखिए और देखिए क्या इस छोटी संख्या से बाकी जितनी संख्याएं दी गई हैं क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है। तो बिल्कुल, यहाँ 13 से बाकी जो दोनों संख्याएं हैं वो पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, यानी कि ऐसे केस में क्या होता है, यही 13 जो होता है, यही जो पहली संख्या सबसे छोटी संख्या होती है वही हमारा मासा हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न तो आप देखते ही कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ ट्रिक, ये ट्रिक्स जो होते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको आगे यूपीटेट सीटेट में भी काम आएगा। अब देखिए प्रश्न क्या 79 है, 2480 का कितने प्रतिशत है, 2480 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब ऐसे बोलते बोलते आपको समझ में आ जाएगा, 2480 का, 2480 का मतलब कंपैरिजन हमको 80 से करना है,
ठीक है, तो बटे में 80 लिख दीजिए। 24 को हमको देखना कितना प्रतिशत है और किसका, 80 का देखना है, 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 से भाग हो जाएगा और ये हो गया। अब ये दर्शाता है कि 24 80 का कितना भाग है। अब इसको अगर हमको देखना हो कि कितना प्रतिशत है, तो 24 80 का कितना प्रतिशत है, अब इसी को प्रतिशत में बदल देंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। किसी भी प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 त्रिक 24 होता है, 8 × 9 = 8, 3/1 गुणे 10, यानी कि ये आ जाएगा 30%, यानी कि ये 24 जो हो जाएगा 80 का, यह 30% हो जाएगा। वैसे भी 80 का 10% 8 होगा और 30% 24 हो जाएगा, 8 + 24, ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80, 4 (5)(2)(5)(2)(2) को सरल कीजिए। अब देखिए 4 का गुणा हो रहा है और फिर बड़ा ब्रैकेट है, 17 (2)(5)(2)(1). अब देखिए ध्यान से इसको देखिए क्या हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट में, ठीक है, 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में हो रहा है और इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि 17 जुड़ रहा है इस छोटे वाले ब्रैकेट में, ठीक। अब इस छोटे वाले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है और 5 का गुणा 2 में हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, जहां भी ब्रैकेट्स होते हैं, छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक। अब यहाँ पे जो छोटा ब्रैकेट तो है नहीं, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब पहले मझले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 17 (+). अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करके हमको खत्म करना है, ठीक। तो अब मझले ब्रैकेट में देखिए हो क्या रहा है, मझले ब्रैकेट में एक जगह जोड़ हो रहा है, एक जगह गुणा हो रहा है। तो अब जोड़ घटाना गुणा भाग में क्या पहले होता है, पहले भाग या गुणा में से कोई कर लेते हैं, फिर जोड़ या घटाने में से कोई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप भाग और गुणा करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे अब गुणा कर लीजिए, गुणा होगा तब जोड़ होगा, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर 4 × (+)(2)(10), अब ये जोड़ लीजिए, 2 × 10 = 12 हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा और धन का गुणा, धन 12 में होगा तो धन ही रहेगा चिन्ह। अब देखिए 4 और फिर ये 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 और फिर 8, 9 × 4 = 36 और 4 × 2 = 8 और ये 11, 116 आ जाएगा, ठीक है। जो मान आ गया वह कितना आ गया, इसको सरल किया हमने तो मान इसका जो आ गया वह 116 आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 81 है, 150 का 12% कितना होगा, 150 का 12%, 150 का जो पूछ रहा है वही ऐसे लिख लीजिए, 150 का 12%। अब ये बराबर होगा कि कहीं भी का लिखा है तो उसका मतलब होता है गुणा, 150 × 12 और प्रतिशत। अब देखिए हमको 150 का 12% जो पूछ रहा है, मतलब वह संख्या पूछ रहा है कि 150 का अगर 12% निकाला जाए तो क्या संख्या आएगी, तो संख्या पूछ रहा है, 150 का 12% तो हमको पता ही है, ठीक, 150 का 12% का मतलब ऐसे हमको पता ही है, लेकिन 150 का 12% कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो प्रतिशत यहाँ पे मतलब हमको हटाना है और संख्या लाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत चिन्ह हटा करके। अब देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा और 3 × 6 = 18, मान कितना आ गया, 18, यानी कि 18 जो होगा
वह 150 का 12% होगा। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 10% 15 होगा और फिर 1% अगर जोड़े तो 1.5 होता है, 2% 3 होगा, तो 3 और जोड़ दीजिए, 12% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इस तरीके से भी एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए ताकि जब परीक्षा आप दो तो आप वहां पे गलतियां ना करो। साइड बाई साइड आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन हमेशा चलनी चाहिए कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। एक बगीचे की लंबाई दे दिया गया, चौड़ाई दे दिया गया, मतलब बगीचा क्या है हमारा, बगीचा की जब लंबाई चौड़ाई दी गई है तो बगीचा आयताकार होगा। ठीक है, बगीचा जो होगा वह आयताकार होगा और इसकी लंबाई 115 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है वह 45 मीटर है। ये हो गया। अब चारों ओर अगर तार घेरना है, ठीक, तो कितने तार की आवश्यकता होगी यह पूछ रहा है। अब तार देखिए, एक सिरे से हम लोग घेरना चालू करेंगे तो इसी तरीके से तार घिरेगा। अब तार जो घिरेगा वो एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक लंबाई फिर चौड़ाई, यानी कि परिमाप के बराबर घिरेगा। ठीक है, तो तार की जो लंबाई होगी, कितने मीटर की तार की आवश्यकता होगी, वह बराबर होगा आयत के परिमाप के। यहां से लिख सकते हैं, तार की लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप, या यहीं पे लिख सकते हैं बगीचे का परिमाप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका परिमाप कितना आता है, इसका परिमाप आता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, ये आता है। और फिर 2 × लंबाई कितनी है, 115 मीटर है, और धन चौड़ाई कितनी है, 45 मीटर है। तो अब ब्रैकेट में जो है उसको जोड़ लीजिए, ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 और फिर 4 × 1 = 5 और 1 = 6 हो जाएगा और ये 160 आ जाएगा। 160 आ गया, 160 का अब आप गुणा कर लीजिए 2 में, तो ये हो जाएगा 320 मीटर, यानी कि तार की जो लंबाई की आवश्यकता होगी वो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, 320 मीटर तार लगेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, ऋण 6/25 भागा 2/5 धन 4/5 को हल कीजिए। तो क्या लिखा है, ऋण 6/25 लिखा हुआ है और भागा 2/5 लिखा है और फिर धन 4/5 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 भिन्न दिए गए हैं, यहाँ पे एक जगह भाग एक जगह जोड़ हो रहा है, तो जहां भी भाग और जोड़ हो रहा हो तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। तो भाग को सॉल्व करने के लिए एक तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ऋण 6/25 लिख दीजिए और पूरे के 2/5 लिख दीजिए। अब 5 का गुणा हो जाएगा पूरे अंश में जो सबसे नीचे हर में है और इसका 2 का गुणा 25 में हो जाएगा। ठीक, और फिर धन 4/5 हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसी को सीधे ऐसे लिखा जाता है, सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 6/25 और जहां भाग, जब भिन्नों में भाग होता है, जैसे कहीं पे लिखा है a/b और फिर भागा c/d अगर लिखा है, तो इसको हम भाग ना दे करके सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b × d/c। ठीक है, चिन्ह जो हो जाता है वह गुणे का हो जाता है और जो भिन्न हो जाता है वह पलट जाता है, तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 5/2 लिखेंगे। जो पहले मैं बता रहा था वो भी यही आता है, 6 × 6 का 6 में गुणा हो रहा था आपका, सबसे नीचे हर में क्या था, 5 का, और फिर 25 में गुणा हो जाएगा 2 का, फिर धन 4/5। अब गुणा कर लीजिए तो ऋण 6/5 कितना हो जाएगा, ऋण 30 और 50 हो जाएगा और धन 4/5 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 भिन्न है, देखिए जुड़ रहे हैं,
तो हर समान कर लीजिए। जब हर समान करेंगे तो पूरे के बटे 50 आ जाएगा, यहाँ 50 पहले से है तो ऋण 30 और फिर धन अब 5 का 50 हो गया यानी कि 10 गुना बढ़ गया, तो ये 10 गुना ये भी बढ़ जाएगा, 4 में 10 का गुणा होगा 40 हो जाएगा, तो ये आ गया 10/50 यानी कि शून्य से शून्य काट दीजिए 1/5, जो इसका मान आ गया वह कितना आ गया 1/5, इसको सरल करेंगे तो मान जो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न के 84, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उसका गुणनफल 900 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का आपको सूत्र पता होता है, जो मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक, ये सूत्र होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए मासा दिया गया है 15 और लासा हमको निकालना है, तो लासा की जगह लासा लिख देंगे और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 900 है, तो लिख दीजिए 900। अब इसके बाद लासा जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 900/15, क्योंकि इधर था गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, अब 15 × 90 और शून्य, लासा कितना आ गया यहाँ से 60, ठीक है, और 60 का 15 में गुणा करेंगे तो 900 आता है। तो इस तरीके से ये समझ गए आप कि लासा जो हो जाएगा वह 60 हो जाएगा, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला ये याद ही रखना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल सा है, याद भी क्या करना है, आपको याद ही रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 85 है, 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक में हम तब तक भाग देते हैं जब तक सारी संख्याएं एक नहीं हो जाती हैं और किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग जा रहा होता है तो भाग देते हैं। ठीक है, उसमें मासा की तरह नहीं है कि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए तभी भाग देंगे, और जहां पे भाग नहीं जाएगा सभी संख्याओं में एक साथ वहां रुक जाएंगे, इसमें तो भाग आप देते जाइए। जैसे 2 से भाग देंगे तो सब में जा रहा है, तो देखिए ये है 2 और 8 और ये है 3 और 5 35 और ये है आपका 4 और 2। फिर देखिए अभी 2 से भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 और 4 और इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसा लिख लेंगे, और इसमें जा रहा है तो इसको भी हम लिख लेंगे इस तरीके से। अब 2 से अभी भी जा रहा है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 21। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा भाग तो अब 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, 3 से ले जाएंगे, देखिए 7 में नहीं जाएगा और 35 में भी नहीं जाएगा, 21 में जाएगा, 7 × 21। अब फिर इसके बाद 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 5 से जा रहा है तो हो जाएगा 7 और 7, 5 × 7 = 35 तो 7। अब देखिए सब जगह 7 आ गया, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा और सारी संख्याएं 1 हो गई, सब 1 हो गया। अब लासा क्या होगा, इन्हीं का गुणनफल होगा, तो यहाँ पे लासा लिखेंगे और अब लिख लीजिए 2 × 2 × 2, 2 का 3 बार गुणा, 2 × 2 × 2 और फिर 3 का 1 बार, 1 बार 5 का, 1 बार 7 का, 3 × 5 × 7 यही आपका लासा हो जाएगा। देखिए 2 × 4 × 8 और 8 × 3 × 5 × 7। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 8 × 3 = 24 और 5 × 7 और 24 × 5 = 120 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, फिर 7 का गुणा कर लीजिए तो 0, 7 × 2 = 14 खाते लगा 1, 7 × 9 = 7 और 1 = 8, 840 यानी कि लासा कितना आ गया, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो आ जाएगा वह 840 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरीके से आप आसानी से भाग विधि से निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे 56 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 8 × 7 = 7,
आठ सत्ते छप्पन, तो ये हो जाएगा आपका दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े सात। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं छप्पन को, और सत्तर को इसी तरीके से आप लिख सकते हैं दो गुड़े सत्तर को चाहे तो कितना लिख सकते हैं दो गुड़े अब पैंतीस, तो पांच गुड़े सात, ठीक। और इसी तरीके से चौरासी को लिखना चाहें चौरासी को लिख सकते हैं दो गुड़े तीन गुड़े सात, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणन हो जाएगा दो दूनी चार और चार तीन बारह और बारह सत्ते चौरासी, ठीक। तो इस तरीके से अब इसमें दो सबसे देखिए दो सबसे अधिक तीन बार आ रहा है तो दो के घाते तीन, और फिर तीन एक बार आ रहा है फिर पांच एक बार और एक बार सात, तो यही आपका यहाँ भी आया है, ठीक। यही लासा हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न के छियासी, चौवन के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। चौवन के अपवर्तक मतलब कि गुणनखंड मतलब कि विभाजक डिवीजर मतलब ऐसी संख्याएं हमको लिखनी है जो चौवन को पूरा पूरा विभक्त करती हैं। तो देखिए एक सभी संख्या को पूरा पूरा काटती है और इसके बाद दो आ जाएगा, दो भी इसको पूरा पूरा काटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे चार है। इसके बाद हमको देखना है तीन से, क्या ये तीन से कटता है, तो बिल्कुल कटता है, तीन से भी कटता है। अब चार से चेक करेंगे तो चार से नहीं कट रहा है, पांच से चेक करेंगे, छह से चेक करेंगे तो छह से भी कटता है। इसके बाद सात से नहीं कटता है, आठ से चेक करेंगे तो आठ से भी नहीं, नौ से चेक करेंगे तो नौ से भी कटता है। इसके बाद ग्यारह से चेक करेंगे, दस से ग्यारह से नहीं कटेगा, बारह से चेक करेंगे तो बारह से भी नहीं कटता है। इसके बाद किससे चेक कर सकते हैं, इसके बाद हम तेरह से तो कटेगा नहीं, तेरह से फिर चौदह से चेक करेंगे, फिर पंद्रह से, फिर सोलह से, सत्रह अट्ठारह से चेक करेंगे तो अट्ठारह से ये कटता है। इसके बाद इस तरीके से अपवर्त लिखते जाएंगे इसका, अट्ठारह से चेक कर लिया, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन सबसे नहीं कटेगा, अब कटेगा सीधे 27 से, ठीक है। 27 दूनी चौवन होता है, फिर इसके बाद फिर चेक करेंगे 28 से, तो अब देखिए 28 का दो गुना ही कितना हो जाता है, छप्पन हो जाता है, तो 28 से भी नहीं, 29 से भी नहीं कटेगा, इसी तरीके से 30 से भी नहीं, अब किसी से नहीं कटेगा, सीधे चौवन से कटेगा। तो ये आप समझ गए कि चौवन के जो अपवर्त्य हो गए वह इतना हो गया, एक दो तीन छ नौ अट्ठारह सत्ताईस और चौवन, ठीक है। यानी कि चार और चार आठ कुल अपवर्त्य हो गए चौवन के, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अपवर्त्य आप देख सकते हैं, आपको खुद से ही चेक करना होगा कि किन किन संख्याओं से दी गई संख्या कटती है, यही अपवर्त्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या सतासी, तीस के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तीस का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया है किस तरीके से, पहले दो से आप भाग करिए तो हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह में दो से भाग नहीं जाएगा, तीन से चेक करिए तो तीन से जाएगा पांच हो जाएगा, फिर पांच से भाग करेंगे सीधे सीधे जाएगा, तो आप तीस को कितना लिख सकते हैं, यही दो बुढ़े तीन बुढ़े पांच, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो बुढ़े तीन बुढ़े पांच, देखिए दो तीन छह, छह पच्चे तीस, तो यही हो जाएगा तीस का अभाज्य गुणनखंड, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं भाग विधि से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या अठासी क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मासा ज्ञात कीजिए। जब गुणनखंड विधि कह दिया तो इसका मतलब हो गया कि आपको दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है और उसके बाद इनका मासा निकालना है। तो 120 का देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो ये हो जाएगा दो साठ तीस, फिर दो से भाग जाएगा तो पंद्रह हो जाएगा, फिर पंद्रह में तीन से भाग जाएगा पांच, फिर पांच में भाग जाएगा एक, यानी कि इसको लिख सकते हैं दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पांच, आठ त्रिक चौबीस, चौबीस पच्चीस एक सौ बीस। अब इसको 300 का इसी तरीके से निकाल लीजिए, 300 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 लिखिए और 300 में भाग दीजिए, दो से भाग करेंगे तो एक और फिर पांच और शून्य, फिर दो से सात और पांच पचहत्तर, फिर तीन से
दो और पांच 25, फिर पांच से और फिर पांच से, ये आपको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक, अब इसका मासा लिखना है। मासा में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं वो लिखे जाते हैं, जैसे दो दो देखेंगे क्या यहाँ पे भी आ रहा है, हाँ आ रहा है, और अधिकतम कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, अधिकतम कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 बार आ रहा है और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हमने देख लिया कि अधिकतम 3 बार आ रहा है और 2 बार आ रहा है, तो जो कम बार आ रहा है उसको लिखा जाता है। ठीक है, या ऐसे आप कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से आप ये एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो दोनों में आना चाहिए, तीन संख्या तीन में तीनों में आना चाहिए, चार संख्या दी गई चारों में आना चाहिए। तो एक बार आया तो 2 लिखा गया, फिर एक बार मिला तो 2 लिखा गया, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो एक बार ये लिखा जाएगा, और फिर यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ भी एक 5 आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, कम बार वाला लिखा जाता है, तो जगह 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और 12 × 25 = 60, यानी कि मासा कितना आ जाएगा, इसका मासा आ जाएगा 60, मतलब 60 वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो 120 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करती है। ठीक है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं 60 120 को भी डिवाइड करती है, और 60 × 25 = 300 ये भी आपका कट रहा है, तो इस तरीके से ये 60 जो हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ पे कर सकते हैं या किनारे लाइन खींच के कर सकते हैं, आपके उत्तर में इतना ही लिखा जाना है। ठीक है, इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो संख्या 89 है, 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। अब अंतर निकालना होता है, मतलब कि घटा के देखना है कितना डिफरेंस है। ठीक है, दोनों संख्याओं को घटा देना है, यानी कि 5/6 में से हम 2/3 घटा लेंगे, हर समान करेंगे तो दोनों जगह 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 पहले से था तो इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो गया है यानी कि दूना हो गया है, तो 2 से गुणा हो जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा 1, और बटे में है 6, 1/6, यानी कि अंतर हमारा कितना आ गया, डिफरेंस 1/6। जैसे आपसे पूछता है कोई 5 और 2 में कितना डिफरेंस है, तो 5 - 2 कर देते हैं आप, 3 आ जाता है, तो उसी तरीके से इन भिन्न संख्याओं में आपसे पूछा है कि कितना अंतर है, तो 1/6 का अंतर है। और अंतर जब भी आप निकालिए तो इस तरीके से देख के निकालिएगा कि अंतर जो है वह पॉजिटिव में ही आना चाहिए। ठीक है, अंतर मतलब प्लस में ही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न है 90 है, ज्ञात कीजिए 5 × 3 = 1/2। इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो देखिए 5 × 3 = 1/2, इसका मतलब क्या है, 2 × 3 = 6 = 7 = 7/2, और फिर 5 × 7 = 35 = 35/2 ये हो जाएगा, और इसको चाहे तो कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 × 1/2, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, चाहे यहाँ पे उत्तर छोड़ दीजिएगा चाहे यहाँ पे, तो इसका मान ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 91 है, हल कीजिए 9 × 3/4 / 3 × 1/4। अब ये आप लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पिछले प्रश्न की तरह है, बहुत ही आसान, और इसी क्लास में हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, इतना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट में उत्तर बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए सभी लोग सॉल्व करिए पहले इसको। देखिए मैं मेथड बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। अब देखिए सही के रूप में दिया है तो उसको भिन्न के रूप में पहले लिख लीजिए, अंश और हर के रूप में बना लीजिए, और भाग करना है तो भाग करने में भिन्नों के भाग में आप चाहें तो बाद वाले भिन्न को पलट दीजिए और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब उत्तर कमेंट करके बताइए कितना उत्तर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, इसको 4 × 36 और 3 = 39 हो गया, और भागा 4 × 3 = 12 = 13/4 हो गया, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद 39/4 और फिर गुणे चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4/13, बाद वाले भिन्न को पलट दिया हमने और गुणे का चिन्ह लगा दिया। देखिए 13 × 3 = 39 और 4 से 4 कट जाएगा,
मान कितना आ जाएगा 3। तो बहुत ही आसान सा था, उत्तर आ गया कितना 3। ठीक, सबका उत्तर सही आ गया, लगभग लोगों का उत्तर सही आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है वह समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से देखिए प्रश्न संख्या 91 तक हमने कर लिया, और अब कुछ प्रश्न और बच रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आपके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप खुद से सॉल्व कर ले जा रहे हो, आप पहले तो ये कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्रश्न खुद से बना पा रहे हैं। ठीक है, लगभग लगभग कितने प्रश्न आप खुद से आप परसेंटेज में बताइए। चलिए खुद को परसेंटेज में बताइए कितने प्रश्न मैंने यहाँ पे कराए और कितने प्रश्न आपने सही किए, उसका परसेंटेज निकाल के आपको कमेंट करना है। ये आपका टास्क भी हो गया। तो इस तरीके से आपको कमेंट करके बताना है कितने परसेंट आप प्रश्न सही कर पा रहे हो इस क्लास में खुद से, क्योंकि मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूँ कि खुद से पहले सॉल्व करना है, तब सॉल्यूशन देखना है। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करना, देखिए सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए, और सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच जाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पूरी पढ़ाई आपको मिल रही है, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल रहा है, नोट्स का पीडीएफ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो सारी सुविधाएं वहां पे आपको मिल रही हैं। ठीक, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया, सभी विषयों को पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।